इस वीडियो में हम कंप्यूटर के ए टू जेड शॉर्टकट कीज के बारे में जानेंगे, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए, जो कि सेलेक्ट ऑल के लिए यूज किया जाता है पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए। अगला है कंट्रोल प्लस बी, जो कि बोल्ड के लिए यूज किया जाता है सेलेक्ट करे हुए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। अगला है कंट्रोल प्लस सी, ये कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है सेलेक्ट करे हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। अगला है कंट्रोल प्लस डी, ये फॉन्ट के लिए यूज किया जाता है फॉन्ट विंडो ओपन करने के लिए। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई, सेंटर के लिए है टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ, जो कि फाइंड के लिए यूज किया जाता है किसी शब्द को फाइंड के लिए। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जी, गो टू, किसी लाइन या पेज पर डायरेक्ट जाने के लिए कंट्रोल प्लस जी का यूज किया जाता है। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच, रिप्लेस के लिए यूज किया जाता है किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई, जो कि इटालिक के लिए यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए। अगला जो है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे, जो कि जस्टिफाइड के लिए यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए, कंट्रोल प्लस जे का यूज किया जाता है। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस के, जो कि हाइपरलिंक के लिए यूज किया जाता है इंसर्ट हाइपरलिंक पर जाने के लिए। अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल, ये लेफ्ट अलाइन के लिए यूज किया जाता है टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए। अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एम, इंडेंट के लिए यूज किया जाता है इंडेंट बढ़ाने के लिए। अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन, ये न्यू के लिए यूज किया जाता है न्यू फाइल ओपन करने के लिए या न्यू टैब ओपन करने के लिए। अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ, ये बेसिकली ओपन के लिए यूज किया जाता है किसी फाइल को खोलने के लिए। अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी, जो कि प्रिंट के लिए यूज किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। अगला जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस क्यू, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर, ये राइट अलाइन के लिए यूज किया जाता है या फिर रिलोड के लिए, किसी भी टेक्स्ट को राइट में लाने के लिए और इंटरनेट पेज को रिलोड करने के लिए कंट्रोल प्लस आर का यूज किया जाता है। अगला जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एस, सेव के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का यूज किया जाता है। अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी, ये न्यू टैब, हैंगिंग इंडेंट, इंटरनेट के ब्राउजर में नया टैब ओपन करने के लिए और हैंगिंग इंडेंट क्रिएट करने के लिए। अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू, ये बेसिकली अंडरलाइन के लिए यूज किया जाता है, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का यूज किया जाता है। अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी, ये पेस्ट के लिए यूज किया जाता है, पहले से कॉपी कट करे हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का यूज किया जाता है। अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ये क्लोज के लिए यूज किया जाता है, किसी भी ओपन विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज किया जाता है। अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स, ये कट के लिए यूज किया जाता है, किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का यूज किया जाता है। अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई, ये रेडो के लिए यूज किया जाता है। अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड, ये अंडू के लिए यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें तथा शेयर भी कर दें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।